एवरीथिंग बिग स्टार्ट स्मॉल, यानी हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से ही होती है। वैसे ही हर लार्ज कैप कंपनी कभी ना कभी मिड कैप या स्मॉल कैप रही है, पर उन्होंने अपने अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से इस्तेमाल किया और इन द प्रोसेस अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसके कारण वो कंपनीज आज लार्ज कैप कंपनीज बन सकी। इसके साथ साथ स्मॉल कैप स्टॉक्स ही वो स्टॉक्स हैं जो कि मल्टीबैगर बनने की या फिर मल्टीपल टाइम्स का रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। कई इन्वेस्टर्स हमेशा ऐसे स्टॉक्स की तलाश में रहते हैं, पर यह जानना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा स्टॉक मल्टीपल टाइम रिटर्न देगा और कौन सा नहीं। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स में एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है जो कि ऐसे ही स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का मौका देती है। यह है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सक्सेसफुल स्मॉल कैप फंड की बात करने वाले हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड आपके लिए बेस्ट है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, डू टेक दैट 1 सेकंड टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। अब आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेड फंड भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आप इस ऐप पर हमारे टॉप रिकमेंडेड स्मॉल कैप फंड्स और दूसरे कैटेगरी के भी फंड्स देख सकते हैं। हमने ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। एक्सिस का ये फंड एक स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ही एक सब कैटेगरी है। चलिए स्पेसिफिकली इस फंड के बारे में बात करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। स्मॉल कैप फंड उस कैटेगरी के फंड्स हैं जो कि अपना पैसा प्रेडोमिनेटली स्मॉल कैप कंपनीज में लगाते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज बाय डेफिनेशन वो कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंक 251st और उसके नीचे आती हैं। क्योंकि ये फंड अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगाती हैं तो इसमें जो रिस्क है वो तो हाई होता है, लेकिन इनमें जो रिटर्न जनरेटिंग कैपेबिलिटी होती है वो भी हायर ही होती है। तो अगर एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड भी अपना पैसा प्रेडोमिनेटली 250th रैंक के नीचे वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स चुनने के लिए ये फंड एक बॉटम अप अप्रोच यूज करता है। बॉटम अप अप्रोच वो अप्रोच होता है जिसमें फंड मैनेजर्स कंपनी के इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स को ज्यादा वेटेज देते हैं और साथ ही साथ सेक्टर के एट्रीब्यूट्स को भी ध्यान में रखते हैं। बॉटम अप अप्रोच में फंड मैनेजर्स यूजुअली ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं जिनकी फंडामेंटल और वैल्यूएशन एट्रीब्यूट्स अच्छी हों और साथ ही साथ सेक्टर या इंडस्ट्री में भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हों। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का लक्ष्य रहता है एक सेक्टर डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बना के अपने बेंचमार्क को बीट करने का। चलिए अब फंड के पास रिटर्न्स पर एक नजर डाल लेते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक साल के पीरियड को छोड़कर हर पीरियड में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म किया है। फंड का इंसेप्शन नवंबर 2013 में हुआ था और तब से इस फंड ने 23.79% के एवरेज रिटर्न्स हर साल जनरेट करके दिए हैं। पिछले एक साल में फंड ने 94.58% के रिटर्न दिए और वहीं 3, 5 और 7 साल में 21.64%, 19.93% और 20.63% के रिटर्न्स रिस्पेक्टिवली दिए हैं। क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है तो प्रेडोमिनेटली एसेट्स इक्विटीज में ही इन्वेस्टेड है। करंटली एक्सिस स्मॉल कैप फंड के 89.6% एसेट्स इक्विटीज में इन्वेस्टेड है। जो बैलेंस 10.4% एसेट्स हैं वो डेट और कैश इक्विवेलेंट्स में है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के कैटेगरी वाइज एलोकेशन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एज ऑफ 30th अप्रैल 2021 इस फंड के 57.71% एसेट्स स्मॉल कैप स्टॉक्स में थे। स्मॉल कैप के अलावा इस फंड ने अपने इन्वेस्टमेंट्स मिड कैप स्टॉक्स और लार्ज कैप स्टॉक्स में भी कर रखे हैं। मिड कैप स्टॉक्स में 39.66% इन्वेस्टेड है और वहीं लार्ज कैप स्टॉक्स में 2.63%। चलिए अब इस फंड के सेक्टर एलोकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 12 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है। सबसे ज्यादा ये कंस्ट्रक्शन में एलोकेटेड है विद 18.96%, टेक्नोलॉजी और केमिकल्स में 13.99% और 13.65% एलोकेटेड है रिस्पेक्टिवली, विच इज फॉलोड बाय 9 अदर सेक्टर्स। अब एक्सिस स्मॉल कैप फंड के फीचर्स पर नजर डालने से पहले एक बार इस फंड के कॉन्सेंट्रेशन और वैल्यूएशन मेट्रिक्स को भी देख लेते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। इस फंड के एसेट्स टोटल 51 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 37.25% है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की सेक्टर एलोकेशन भी काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। जैसा कि हमने अभी देखा था, इस फंड ने अपने एसेट्स टोटल 12 सेक्टर्स में एलोकेट किए हुए हैं, जिसमें से 46.60% टॉप 3 सेक्टर्स में एलोकेटेड है। फंड की वैल्यूएशन की बात करें तो वो स्लाइटली एक्सपेंसिव लगती है। प्राइस टू बुक रेशियो है 4.25 का और प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 31.78। एक्सिस स्मॉल कैप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM एज ऑफ 30th अप्रैल 2021 4,854 करोड़ रुपीज का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.95% का। इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप लमसम मेथड से या फिर SIV मेथड से भी कर सकते हैं।
अगर आप लमसम मेथड से इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए की होनी चाहिए। आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की भी कर सकते हैं। इन केस यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू द SIP मेथड तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज की होनी चाहिए। बाकी इक्विटी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं। अगर आप ये अपने यूनिट्स परचेज के एक साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो पहले 10% यूनिट्स पर तो किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं है। उसके ऊपर आप जितने भी यूनिट्स बेचेंगे उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप यूनिट्स को एक साल के बाद बेचते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। लास्ट में बात करते हैं इस फंड में होने वाले गेंस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स की। क्योंकि ये फंड अपने एसेट्स प्रिडोमिनेटली इक्विटीज में इन्वेस्ट करेगा तो इस पर जो गेंस होंगे उस पर टैक्स भी इक्विटी की तरह ही लगेगा। अगर आप यूनिट्स को परचेज के एक साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो आपके जो भी गेंस होंगे उन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा विच इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को एक साल के बाद बेचते हैं तो गेंस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा दिस इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगेगा अगर आपके टोटल गेंस एक फाइनेंशियल ईयर में 1,00,000 रुपए से ज्यादा हो तो। ये तो था अबाउट द एक्सिस स्मॉल कैप फंड्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और इसके फीचर्स के बारे में। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये फंड प्रीडोमिनेटली अपने एसेट्स इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है तो इसमें रिस्क तो वैसे ही हाई है। स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा वोलेटाइल होते हैं जिसके कारण रिस्क और भी बढ़ जाता है। लेकिन इनमें रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल भी उतनी ही ज्यादा होती है। क्योंकि ये फंड अपने पैसे स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो उनकी ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। तो ये फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एक स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। ऐसे इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को ऑब्जर्व करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो क्या एक्सिस स्मॉल कैप फंड इज द बेस्ट ऑप्शन? आप जरूर इन्वेस्ट करने से पहले हमारा ये वीडियो देखें जिसमें हमने टॉप 3 रिकमेंडेड स्मॉल कैप फंड्स की एनालिसिस की है। फाइनली हमारी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहती है कि इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए समझ लें। अगर आपके इस पर्टिकुलर फंड को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfund.in पर लिखें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलें एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग zfunds।